कुंभ में अनोखी सोशल इंजीनियरिंग, किन्नरों की भव्य पेशवाई और शाही स्नान। सबसे उपेक्षित किन्नरों को सनातन धर्म में मिला शाही स्थान। कुंभ में जूना अखाड़े के साथ किया शाही स्नान। द इंडियन ओपिनियन के लिए प्रयागराज से मनीष वर्मा की रिपोर्ट। हजारों वर्षों से आयोजित हो रहे कुंभ के स्वर्णिम इतिहास में एक सुंदर अध्याय जुड़ गया है। सर्वे भवंत सुखिना, यानी सभी लोग सुखी रहें के सूत्रवाक्य चरितार्थ करते हुए संतों ने समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग यानी किन्नरों को प्रतिष्ठित करते हुए न सिर्फ उनकी भव्य शोभा यात्रा पेशवाई निकलवाई, बल्कि त्रिवेणी संगम में उन्होंने सबसे पहले जूना अखाड़े के साथ भव्य शाही स्नान भी किया। सनातन धर्म का संदेश कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, यह वाकई में संगम तट पर चरितार्थ होता दिखाई दिया। असनी माता के साथ स्नान किया और इस प्रयागराज की धरती में और पूरे समाज में जिस तरीके से सनातन समाज में किन्नरों का पूर्ण तरीके से वापस स्थापना हुआ है और किन्नर समाज और किन्नर अखाड़े का मैं नमन करती हूँ। इस त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद यही दुआ करती हूँ कि पूरा सनातन धर्म और मेरा पूरा विश्व सब खुशहाली में रहे, धर्म के नाम पे कोई कटाक्ष ना हो, कोई भेदभाव नहीं हो। और अवधेशानंद जी, आचार्य जूना अखाड़ा, शंकराचार्य प्रभु वासुदेवानंद सरस्वती, हरिगिरी महाराज के प्रयास से किन्नर अखाड़ा अखाड़े के रूप में आज शाही स्नान किया।